कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ प्रेडिक्शंस के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेडिक्शंस के साथ। तो पहले बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में आज 3 मैच की प्रेडिक्शंस करेंगे। वो है तीनों कॉनकैसेफ के मैच होंगे, कॉनकैसेफ लीग जो चल रही है उसके मैच होंगे। ये नेशंस के बीच में टूर्नामेंट होता है, देशों के बीच में। तो पहला मैच है US वर्जिन आइलैंड्स वर्सेस बारबाडोस के बीच में मैच खेला जाएगा। इसमें हेड टू हेड अगर पिछले 5 मैचों की बात करें तो US वर्जिन आइलैंड्स 1 जीता है और बारबाडोस 4 जीता है। बारबाडोस की टीम US वर्जिन आइलैंड्स के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है, तो हम बारबाडोस के साथ जाएंगे। हम मेरे हिसाब से बारबाडोस की टीम जीत जाएगी। दूसरा मैच है बीवी आइलैंड्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस के बीच में मैच खेला जाएगा। हम सेंट किट्स एंड नेविस के साथ जाएंगे। सेंट किट्स एंड नेविस मेरे हिसाब से जीतेंगे। इन दोनों के बीच जो पिछला मैच हुआ था वो भी सेंट किट्स एंड नेविस ही जीती थी। वो थोड़ी बेटर टीम है बीवी आइलैंड्स मुकाबले। तीसरा मैच है एंगीला वर्सेस बेलीज के बीच में मैच खेला जाएगा। हम बेलीज के साथ जाएंगे। मेरे हिसाब से बेलीज की फुटबॉल टीम ज़्यादा बेटर है और वो जीत जाएगी। पिछला मैच जो हुआ था वो बेलीज की टीम जीती थी, 1-0 जीती थी वो। आइए बात कर लें थोड़ी क्रिकेट की। पहला मैच है आज चाइना वुमेंस वर्सेज हांगकॉन्ग वुमेंस के बीच में मैच है ये। ये वुमेंस ईस्ट एशिया कप खेला जा रहा है, उसका ये टूर्नामेंट का मैच है ये। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों को 6 मैच हुए, जिसमें 3 चाइना जीता है और 3 हांगकॉन्ग जीता है। पिछले 4 मैचों में 2 चाइना जीता और 2 हांगकॉन्ग जीता है। पूरी कांटेक्ट टक्कर चल रही है इसमें। इस मैच में हांगकॉन्ग के साथ जाएंगे। मेरे हिसाब से हांगकॉन्ग की टीम ये मैच निकाल लेगी जैसे तैसे करके। हांगकॉन्ग की वुमेंस टीम ज़्यादा बेटर है, तो हम हांगकॉन्ग के साथ जाएंगे। फिर दूसरा मैच है रवांडा वर्सेस मलावी। रवांडा की मेंस टीम मलावी के दौरे पर गई है। आज से सीरीज शुरू हो रही है। आज पहला T20 मैच खेला जाएगा जो TC ओवल ब्लैंटायर में खेला जाएगा। अगर हेड टू हेड की बात करें तो रवांडा 4 मैच जीता है, मलावी 2 मैच जीता है। रवांडा टीम ज़्यादा बेटर और ज़्यादा पर ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम रवांडा से जाएंगे। मेरे हिसाब से रवांडा जीत जाएगा, 1-0 की लीड ले लेगा। फिर तीसरा मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मेंस T20 का मैच है आज। दूसरा T20 खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा ये मैच। जैसा कि आप जानते हैं पहला मैच इंडिया जीत गया, तो इंडिया 1-0 की लीड लिए हुए है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 25 मैच हुए हैं, जिसमें सॉरी 15 मैच हुए हैं, जिसमें से इंडिया 14 जीता है और 1 बांग्लादेश जीता है। और पिछले 5 मैचों की बात करें तो 5-5 इंडिया जीता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसमें पहला मैच आज स्कॉटलैंड वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेंस के बीच मैच खेला जाएगा। ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच में आज तक कोई भी T20 मैच नहीं हुआ, तो ये दोनों टीमों का पहला मैच होगा। अगर हम T20 वर्ल्ड कप में देखें तो साउथ अफ्रीका तीसरी पोजीशन पर है, 2 मैच खेले हैं, 1 जीता और 1 हारा है। तो वहीं स्कॉटलैंड की बात करें तो 2 मैच खेले हैं, दोनों के दोनों हारे हैं, वो 5वें नंबर पर है। हम साउथ अफ्रीका के साथ जाएंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम बेटर टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है कंपेयर टू स्कॉटलैंड। फिर दूसरा मैच है इंडिया वुमेंस का श्रीलंका वुमेंस के साथ, ये भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया 19 मैच जीता है, तो श्रीलंका वुमेंस 5 मैच जीती है। पिछले 5 मैचों में 3 इंडिया वुमेंस जीती है, तो 2 श्रीलंका वुमेंस जीती है। इंडिया की टीम 4थे नंबर पर है और श्रीलंका की टीम 5वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। इंडिया ने 1 जीता 1 हारा है, तो वहीं श्रीलंका की टीम दोनों की दोनों हारी हुई है।
हम इंडिया के साथ जाएंगे, इंडिया टीम थोड़े कॉन्फिडेंस में भी है, पिछला मैच जीती है पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, बेटर टीम है। वहीं श्रीलंका वुमेंस की टीम सिर्फ एक बैट्समैन पर डिपेंड करती है, वो है उनकी कैप्टन चमारिया तपतु। वो चलेगी तो रन होंगे, वो नहीं चलेगी तो टीम फ्लॉप होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रोडिक्शन अच्छी लगी होंगी, अगर मेरे प्रोडिक्शन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।